आमतौर पर राजनेताओं और पुलिस के बीच में तकरार को आम माना जाता है, लेकिन ये घटना तब खास हो जाती है जब कोई जनप्रतिनिधि किसी पुलिस वाले के गिरेबा पर हाथ डाल दे। कुछ ऐसा ही देखने को मिला चंदौली में, जहां पर सकलडीहा के जो विधायक हैं प्रभु नारायण यादव, उनके और डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के बीच में विवाद बढ़ा और विवाद कुछ इस कदर हुआ कि प्रभु नारायण यादव ने उनके डिप्टी एसपी के गिरेबा पर हाथ डाल दिया और इसी के बाद से विवाद बढ़ गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि पहले पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, इस वजह से विवाद बढ़ा। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क, बिजली और पानी की समस्या को लेकर सीएम को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चहनिया बाज़ार के पास रोक दिया। और इस वक्त हम चहनिया बाज़ार में ही मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसकी वजह से किसी राजनेता को पुलिस वाले के गिरेबा में हाथ डालना पड़ गया। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ ये जो घटना है उससे बचा जा सकता था? हाँ, बचा जा सकता था। इस प्रकार से अगर ये जब वहाँ पर राजनेता आया हुआ है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर इन लोगों को अपना प्रदर्शन करना था या कुछ अपना ज्ञापन देना ही था तो ये सचिवालय में खुद जाते हैं, यहाँ के विधायक हैं वहाँ भी दे सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभा स्थल पर जाकर के जहाँ भाजपा के लोग हों, भाजपा झंडा लहरा रहा हो, वहाँ जाकर के सपा का झंडा फहराया जाए, ऐसा संभव नहीं था। लेकिन चहनिया में रोका गया, उनको नहीं रुके, आगे बढ़े। फिर यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको लच्छूबाता रोका गया, वहाँ नहीं रुके। फिर गांव की तरफ मुड़े, रामगढ़ की तरफ, लक्ष्मणगढ़ जाते समय जब देखे लोग नहीं मानेंगे, तब पुलिस ने इनके साथ जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया, तब इन्होंने अपनी ज़बरदस्ती दिखाई, तब दोनों में कुछ जो भी हुआ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने उकसाया, इस वजह से ये घटना हुई। यहाँ चहनिया से लेकर के 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चले गए, पुलिस हाथ जोड़कर रोकती रही, तो पुलिस पहले की किए किए चहनिया चौमहानी पर भीड़ जुटी हुई थी, उस भीड़ को लेकर के धीरे 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 रामगढ़ की तरफ प्रस्थान कर रहे थे लोग। पुलिस बीच बीच में रोकती रही, समझाती रही कि ऐसे समय आप मत दीजिए ज्ञापन, आप मत जाइए वहाँ, लेकिन जब नहीं माने तो पुलिस जबरदस्ती। क्या लगता है आपको कि क्या ये पुलिस को जानबूझ कर उकसाने की एक तरीके से साजिश की गई? हाँ, अपना प्रदर्शन करने के लिए कि हम भी जीवित हैं, हम भी, हमारी भी सत्ता है, हम यहाँ के विधायक हैं, हमारे पास भी आदमी हैं, ये प्रदर्शन करें। सर, वो लोग जा रहे थे ज्ञापन देने, ये जो रोड है यहाँ से लेकर चंदौली चले जाइए चाहे मुगलसरा चले जाइए, तो इसी का ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे माननीय विधायक जी, तो उनको रास्ते में जो यहाँ के सीओ महोदय हैं पीछे से आकर कि इन्होंने लाठी चार्ज कर दिया और उसमें कई कार्यकर्ता जो हैं घायल हो गए, और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं आपको विधायकी नहीं लड़ने दूंगा, बहुत कुछ उन्होंने कहा, उसी में धक्का मुक्की हुई और 151 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और तो ये भी हम लोग देखे सोशल मीडिया पर, एक तस्वीर आई कि विधायक जी बकायदे उनका कॉलर पकड़ लिए थे और अपने सिर से सिर लड़ा रहे थे। नहीं, वो लड़ाने से वो सिचुएशन क्यों आई? वो जो सीओ महोदय जी थे तो उन्होंने कहा कि मैं अभी लाठी चार्ज कर दूंगा, अभी मैं मार दूंगा, इसलिए विधायक जी ने डंडा, आप देखेंगे वीडियो में, विधायक जी बकायदे डंडा तुम्हारे लो मारो, मुझे मारो, और उनको पकड़ करके अपना सिर भी लड़ा रहे हैं कि नहीं लो मुझे मारो, मारो यहाँ से मुझे हटाओ, अगर संविधान में कहीं लिखा है कि नहीं आप इस चीज़ का विरोध नहीं कर सकते हैं, नहीं कर ये होगा तो बताइए कैसे चलेगा। देखिए, जिस तरह से कल विधायक ने कृत किया था वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी जितनी भी भर्सना की जाए वो कम है। एक लोकतंत्र का जिम्मेदार व्यक्ति, एक जनप्रतिनिधि और एक सीओ स्तर के अधिकारी के गिरेबान पर हाथ लगाता है, उसको उसकी गर्दन मरोड़ता है और उसको कानून की रक्षा की जगह बदतमीजी करता है, यह बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी भर्सना की जाए कम है और हम सब इसकी आलोचना करते हैं। देखिए, एक तो ज्ञापन देना था और प्रशासन पहले से भी उसको अवगत कराया गया था कि हमारे मांग पत्र मुख्यमंत्री तक जाए, या 5 लोग जाते, चहनिया से हम लोग चले तो पुलिस को रोकना चाहिए, पुलिस चहनिया नहीं रोकी। हम लोग जब सभा स्थल की तरफ बढ़ने लगे, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ के तरफ, तो पुलिस आई और आते ही उसने धड़ाधड़ लाठी चार्ज किया। चूंकि आगे नौजवान चल रहे थे, कई लोगों को चोटें आई हैं, उसके बाद हम लोग पीछे थे तो गए, मैंने उसको डांटा, समझाने का प्रयास किया, उसी बीच में कहा सुनी हुई। अनिरुद्ध नारायण भी
जो उसको अपना पद का गरिमा का इंतजार कर रखना चाहिए उसका नहीं किया, और विधायक जी से उलझ गया। विधायक ने भी उनको कड़ा कहा, लेकिन अगर ये बुद्धिमानी सीओ किया होता तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होती।